नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इन दिनों भारत का घरेलू सीजन क्रिकेट में चल रहा है, जहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सभी मैचेस अब हो चुके हैं और क्वार्टर फाइनल तक ये मुकाबला पहुंच गया है। और पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु और केरला आमने सामने रहे। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां तमिलनाडु ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की है। वहीं इस मैच के 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर जिस तरीके का कारनामा हुआ है, वो बेहद ही शानदार और अद्भुत रहा है। दरअसल 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर गेंदबाजी करने के लिए तमिलनाडु के संजय यादव आए और सामने केरल के कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे संजू सैमसन, और उन्होंने एक शानदार शॉट खेला। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु के स्पिनर और उस वक्त फील्डिंग कर रहे मुर्गन अश्विन ने कैच पकड़ा, वो बेहद ही अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय रहा। और ये कैच देखने के बाद दुनिया दंग रह गई। इस मैच में केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे, जिसके जवाब में तमिलनाडु ने 19.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। फिलहाल जिस तरीके से मुर्गन अश्विन ने कैच लिया, उसकी तस्वीरें लगातार वायरल होना शुरू हो गई और भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी उनके इस कैच की तारीफ करते हुए ट्वीट किया और उनकी खूब सराहना की। इसके अलावा BCCI डोमेस्टिक ने अपने ट्विटर पेज पर भी मुर्गन अश्विन के इस हैरतअंगेज कैच को ट्वीट कर बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक अविश्वसनीय और अद्भुत कैच पकड़ा है। फिलहाल जिस तरीके से मुर्गन अश्विन ने यह कैच लिया है, उसको देखने के बाद सब यही कह रहे हैं कि ये अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, ऐसे कैच रोज नहीं पकड़े जाते हैं। और मुर्गन अश्विन ने जो किया है, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और शानदार तरीके से उन्होंने कैच लेकर संजू सैमसन का विकेट दिलाया और तमिलनाडु की जीत उन्होंने सुनिश्चित की। फिलहाल आप भी मुर्गन अश्विन का ये कैच देखिए और बताइए कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है।